यूपी की किस सीट पर है बीएसपी सुप्रीमो की नजर? आखिर 2019 में कहां से चुनाव लड़ेंगी मायावती? आगामी लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही हैं। सूबे की दो लोकसभा सीटों पर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एसपी को अपना समर्थन दिया और दोनों दलों के गठबंधन को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रखने का ऐलान किया, उससे साफ है कि वो इस बार पिछले चुनाव का हिसाब किताब बराबर करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि करीब डेढ़ दशक बाद खुद मायावती भी आगामी लोकसभा चुनाव में ताल ठोकती नजर आएंगी। साल 1984 से ही यूपी की राजनीति में दखल रखने वाली मायावती ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव 2004 में अकबरपुर सीट से लड़ा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। इस दौरान वो राज्यसभा और विधानसभा की सदस्य रही हैं। दरअसल मायावती की पुरानी सीट अब सामान्य हो गई है। ऐसे में चर्चा है कि वो अपने पैतृक जिले गौतम बुद्ध नगर से सटे बुलंदशहर से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि उनके इस कदम से पश्चिमी यूपी में बीएसपी को 2009 जैसी सफलता मिल सकती है। तब बीएसपी के सबसे ज्यादा 21 सदस्य लोकसभा में पहुंचे थे। उधर सूत्रों की माने तो पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति को लेकर आए उबाल की वजह से मायावती की नजर इस सीट पर है। बुलंदशहर को लेकर चल रही चर्चाओं को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बुलंदशहर से सटे आगरा और हाथरस तीन रिजर्व लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा चूँकि गौतम बुद्ध नगर उनका पैतृक जिला है, ऐसे में यहां से उनके चुनाव लड़ने का असर आसपास के अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ जैसी सीटों पर भी पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में इस समय नगीना, आगरा, बुलंदशहर, हाथरस आदि रिजर्व सीटें हैं। इसमें बुलंदशहर सेंटर में है, हालांकि मायावती की तरफ से अब तक ऐसा संकेत नहीं मिला है। बावजूद इसके पार्टी के अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मायावती इस बार किस सीट से चुनाव मैदान में उतरती है। इंडिया न्यूज़।